वो ना जी। दोस्तों ये हीरो ग्लैमर बाइक है और ये 2017 मॉडल है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसका टैपिट को कैसे सेटिंग करना है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि टैपिट को जो हम सेटिंग करते हैं, जो टॉप पे लाते हैं पिस्टन को, वो किक के ज़रिए से हम लाते हैं। और आज भी हम किक से बताएंगे और इसके बाद हम आपको मैग्नेट की तरफ से टाइमिंग भी मिलाकर दिखाएंगे कि वहाँ से भी आप मिला सकते हैं। तो चलिए पहले आपको पहले किक से दिखाता हूँ। तो किक से हमें ये करना होता है कि एक बार फ्री इस तरीके से दबाना होगा, उसके बाद दोबारा ऊपर उठा के इसको धीरे धीरे आपको दबाना है, धीरे धीरे दबाना है। और जहाँ पे आके ये किक हल्का फ्री हो जाएगी ये छोड़ देना। देखो यहाँ पे आके फ्री हो गया, तो यहाँ पे जैसे मैंने छोड़ा तो पिस्टन यहाँ पे टॉप हो जाता है। और टॉप होने के बाद हमारा जो कैम है, कैम बिल्कुल टाइमिंग पे आ जाता है। और ये देखिए, ये टैपिट अभी लूज है, मैंने इसका कवर खोल के रखा है पहले से। दोनों टैपिट इसका लूज है, हम दोनों टैपिट को मिलाएंगे। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मैग्नेट की तरफ से आपको टाइमिंग कैसे मिलाना है। अगर आप किक से नहीं मिला सकते हैं तो मैग्नेट से यहाँ पे एक एलंकी वाला ये नट खोल के आप यहाँ से मिला सकते हैं। तो इसमें नंबर ये 10 नंबर का लगेगा और इधर आएगा 7 नंबर का। अगर घर में आप अकेले मिलाते हैं टाइमिंग ये टैपिट को, तो फिर आप किक्स के ज़रिए से ये सारा काम कर सकते हैं। आपका इधर टूल से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें इसके अंदर 17 नंबर का गोटी लगेगा और साथ में आपको हैंडल की ज़रूरत पड़ेगी। हैंडल और गोटी से हम इसका टाइमिंग यहाँ से मिलाएंगे। यहाँ पर टी का अंदर में जो मैगनेट होता है, इसके अंदर एक टी का निशान बना हुआ रहता है और आपको टी इसके साइज पर लाना है। तो हमारे पास ये 17 नंबर का गोटी है और साथ में एक हैंडल है। दोस्तों इसका जो टी होता है अंदर में टाइमिंग जो होता है वो भी सामने आ चुका है। देखिए यहाँ पे एक निशान सा बना हुआ है। देखिए अब हमें यहाँ भी चेक करना है। देखिए अभी टैपिट फ्री है यहाँ, अगर टाइमिंग पे नहीं आता है तो टैपिट टाइट रहेगा उस टाइम में। चलिए अब आपको टैपिट सेटिंग करके दिखाते हैं कैसे सेटिंग करना है। तो इसके लिए 8 और 9 नंबर का पाना चाहिए और साथ में एक ये टूल चाहिए, इसे हम चुटकी बोलते हैं अपने भाषा में। तो इससे पहले हमें यहाँ पे लूज करना है इसको, इसमें 9 नंबर का लगाना होगा। इस नट को हम लूज कर दिए और ये फ्री हो गया। अब इसको हम थोड़ा टाइट करेंगे। देखिए ये लूज था, अब इसको हम थोड़ा टाइट करेंगे। इसे टाइट करने के बाद ये फिर भी है, ये फ्री रहना चाहिए, टैपिट टाइट नहीं होना चाहिए। अगर टैपिट टाइट होगा फिर इसका जो स्पीड आरपीएम है वो रुकेगी नहीं, बार बार बंद होगी। Yeah.
टैपिट बुलाने के बाद बाइक को स्टार्ट करें, और स्टार्ट करने पे अगर इस रेस छोड़ने पर बाइक बंद हो रही है, थोड़ी बहुत इसका यहाँ से अगर टाइट करते हैं और रेस रुक जाती है तो समझिए ठीक ठाक है, और इसे टाइट करने पर अगर रेस नहीं रुक रहा है तो आपको फिर से ये ठीक से एडजस्टिंग करना होगा। ये ज़्यादा टाइट होने पर ठीक से इसका रेस बनता नहीं है और बार बार बाइक बंद हो जाती है। तो बाइक अभी स्टार्ट है, मैंने सारे काम कर दिया इसका। इसका टैपिट साउंड था और मैंने आपको दिखा दिया कि टैपिट लूज था, इसलिए मैंने इसका टैपिट मिलाना पड़ा हमको। और अगर टैपिट अगर टाइट हो तो फिर हमें लूज करना होता है। जिस टाइम टैपिट टाइट होता है तो उस टाइम में इसका चाल ठीक से रहता नहीं है, बार बार बाइक बंद हो जाती है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फायदा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें।